हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सूरज जंगे। तो आज के हम लोग चैनल में पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप। तो डिफरेंट एनिमल ग्रुप में क्या क्या एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं उसे पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ फाइलम की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ में आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। तो इनमें होता है एक्सक्रेशन का जो मेथड होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, ठीक है। इसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं, और दूसरा होता है पेलिकल, दोनों के थ्रू एक्सक्रीशन हो सकता है। अब आता है सेकेंड फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब होता है स्पंज। स्पंज एक समुद्री ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है, इसमें होता है डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। इनके जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनके थ्रू डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाता है एक्सक्रेटरी मटेरियल का, और वो बाहर आउट सिक्रीट हो जाते हैं। उसी प्रकार से सिलेंड्रेटा, जिसे हम लोग फाइलम सिलेंड्रेटा बोलते हैं, इसके अंडर में हाइड्रा वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। हाइड्रा तो जानते होंगे एक जलीय पौधा होता है, उसमें भी अगर डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। सेकेंड आता है प्लेटीहेलमेंथिस। प्लेटीहेलमेंथिस के अंडरगत आता है टीनिया, फैसियोला, हिपेटिका, ये सब पैरासाइट है, इंटरनल पैरासिटिक। तो इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे फ्लैम सेल कहते हैं। ये क्या है? फ्लैम सेल। इसी के थ्रू एक्सक्रीशन का काम होता है या प्रोसेस है, क्रियाविधि जो होता है एक्सक्रीशन करने का, वो फ्लैम सेल है, जिसे ज्वाला को सिखाया जाता है। अब आता है हमारा निमेटोडा। निमेटोडा का एग्जांपल है एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस एक छोटे राउंड वर्म बोलते हैं, जिसे राउंड वर्म छोटे छोटे माइक्रोफिटा, राउंड वर्म मतलब गोल क्रीमी, एक ये भी पैरासाइट है इंटरनल, जो कि बॉडी के खून को क्या करता है, सक करता है, तो जिसे हमारे बॉडी में एनीमिया कॉज हो जाता है। अब आता है इसमें जो एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन होते हैं वो होते हैं रिनेट सेल और कॉप सेल, ठीक है, रिनेट सेल और कॉप सेल। और सिक्स नंबर का है एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम के अंतर्गत आता है नेरिस हो गया, अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, जिसे जोग कहते हैं, अर्थवर्म हो गया, ठीक है, केचपिया। इसमें जो होता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन वो होता है नेफ्रिडिया, ठीक है, नेफ्रिडिया के थ्रू होता है, और क्लोरैगोजन सेल, नेफ्रिडिया सेल और क्लोरैगोजन सेल। अब आता है मॉलस्का। मॉलस्का फाइलम के अंतर्गत आता है पाइला, यूनियो, है नहीं, तो ये सब होते हैं, ये स्केल धारी होते हैं, स्कल, इनके बॉडी के अपर पार्ट में, जैसे शंख देखो, घेंगा देखो, उन सब के बॉडी के अपर पार्ट में क्या होते हैं, एक सल्क होते हैं, स्केल कैल्शियम कार्बोनेट का, ये वही एनिमल होते हैं। तो इनमें जो होता है एक्सक्रेशन का मेथड होता है रीनल ऑर्गन, जिसे क्या बोलते हैं, किडनी भी बोल सकते हैं। अब आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम में बात करें तो इनके अंदर आता है इंसेक्ट फैमिली, ठीक है, इंसेक्ट क्लास आते हैं। तो इंसेक्ट में बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कॉकरोच का। तो कॉकरोच में होता है मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, इसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। अब आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल है स्टारफिश। स्टारफिश में अगर हम लोग बात करें एक्सक्रीशन की तो वो होता है ट्यूब फीट। उनके बॉडी में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम में क्या ऐसा ट्यूब फीट स्ट्रक्चर पाया जाता है, ट्यूब लाइक, ठीक है। तो इन्हीं ट्यूब फीट के थ्रू और एमीबोसाइट सेल होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। अब लास्ट 10 नंबर का है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। इनका एग्जांपल है ब्लेनोग्लासस, ठीक है। अब आता है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा फाइलम में क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इनका एग्जांपल है हर्डिमानिया। और उसके बाद है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, एम्फीऑक्सस एग्जांपल है इसका बेस्ट। तो ये सिफेलोकॉर्डेटा में फ्लैम सेल, जिसे ज्वाला कोशिकाएं कहती हैं, ये भी पाया जाता है। और किस में पढ़े थे हम लोग आगे, यहाँ भी पढ़े थे प्लेटीहेलमेंथिस में फ्लैम सेल, उसके साथ साथ इसमें फेरेंजियल नेफ्रिडिया पाई जाती है एक्सक्रेशन के लिए, एक्सक्रेटरी ऑर्गन के फॉर्म में। और लास्ट है हमारा वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में हम सभी प्राणी आ जाते हैं, जैसे कि बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। इन सब में किडनी होता है मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्राइमरी, और उसके बाद होता है लंग्स भी होते हैं, गैस का एक्सचेंज करने का काम करता है, उसके साथ साथ लीवर भी एक्सक्रीशन में मदद करता है, स्किन भी, और स्किन के साथ साथ इंटेस्टाइन भी। तो ये आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था एक्सक्रेटरी ऑर्गन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों।